सहरी, बोल क्या इच्छा है तेरी? वो जो सबकी मांगे और इच्छाएं पूरी करती है, वो जो आकाश और पाताल की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है, वो महान शक्ति कौन है? बोल अंबे, बोल जगदंबे। पाताल भैरवी, पाताल भैरवी। वो महान शक्ति कहाँ है? बोल अंबा, बोल जगदंबा। उज्जैन की उत्तर दिशा में जांबुली वादियों के बीच घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे धरती के गर्भ में यक्षों की रक्षा में है। उस महान शक्ति को सिद्ध करने का उपाय क्या है अम्बा? बोल जगदम्बा। उस शक्ति को पाने के लिए या तो तेरे जैसा मांत्रिक या असीम साहस वाला सच्चे रास्ते पर चलने वाला युवक, इन दोनों में से किसी एक की बलि चढ़ाने पर वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। सदा जपा। गुरुदेव, हाथ को अपनी जगह पे लगा। जो आज्ञा। चट करे संजीवनी का स्पर्श दे। लगा जबा चबाश जी अस्तफ्रीज वसीम साहसी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला युवक। भट्टारण, आपने पहले बहुत सिद्धियां प्राप्त की हैं। अधिक आशा करना विनाश का कारण बन सकता है। ये ठीक कहती है गुरु, आपके पास तो महान शक्तियां हैं, फिर वो युवक क्यों? बलि चढ़ाने के लिए इस संसार में आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? सदा जपा, तेरे गले से गलत सुर निकल रहे हैं। मुंह बंद रख वरना इसे काटूंगा कि संजीवनी से भी जुड़ नहीं सकेगा। गुरुदेव, महासाहसी सन्मार्गी युवक कहां है? हाँ हो, बोल रहा डिंबक, बोल रहा महासाहसी। कहां है गुरु? उज्जैन के किले की दीवार फांद रहा है। ढिंगरी, यात्रा की तैयारी शुरू करो। हाँ हो, वायुबन हवाओं को मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। भाग के बंद शब्दों के बहाव को रोक सकता हूँ। एक बंद पृथ्वी के गोले के घुमाव को रोक सकता हूँ। केवल मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए, सर्वनाश फैलाने के लिए नहीं। वाह 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 वाह। अति उत्तम, सर्वोत्तम। भाइयों, बहनों, माताओं और पिताओं, ये है नेपाल के महान जादूगर। अरे देखने तो अच्छा लगता है। अरे देखने आगे हो गया। अरे नहीं नहीं, अरे धक्का मत दो। युवा जनों, तुम धरती की ताकत हो तो कदम आगे आ जाओ, आओ। अरे बुढ़ो, तुम जिंदगी की हिमाकत हो तो कदम पीछे हट जाओ। चलो इंग्री गुरु, जनता जो चाहती है वो दिखाएं या हम जो चाहते हैं वो जनता को दिखाएं? गुरु, जनता हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। ए बुढ़े सीधे खड़ा रहा, फिर बटना। बड़ी तो देव पाड़ी है, जनता जो चाहती है भट्टारे वही दिखाओ। का के कू के की को की। गुरु, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके सिरों पर टोपियां पहना दो। अब देखो आम फट।
क्या दिखाऊं रे? गुरु इन सब के वस्त्र हरण कर दो, इनके कपड़े गायब करके इनको नंगा कर दो। हमारा काम नंगों को कपड़े पहनाना है, कपड़े उतार कर नंगे बनाना नहीं है। मांग कुछ और मांग। कौन है बे कौन? अबे तू हंस रहा है या पहाड़ खोद रहा है? इस तरह भरे बाजार में हंसी का बोचाल पैदा करने के लिए तुझे कर देना पड़ेगा। कौन है तू? नेपाली मांत्रिक, नेपाली जादूगर, जनता के मनोरंजन के लिए नेपाल से यहाँ आए हैं। ये अगर नेपाल से आए हैं या किसी चौपाल से या आए हैं ये भोचाल से, अगर मनोरंजन कर रहे हैं मनोरंजन का कर भरना पड़ेगा। मनोरंजन का कर भर आई? ये किसी कर से कम है? यही है हमारे मनोरंजन का कर। सिपाहियों पकड़ लो इसे। अबे उसे नहीं, इसे। आम फट। तांत्रिक मामा, यांत्रिक चाचा, मुझ में से ये औरत का रूप बाहर निकालिए, मुझे अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। आइंदा जो शब्द मुंह से निकालेगा वो बुद्धि में डुबा के निकालेगा ना? हाँ जरूर डुबा के निकालूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो औरत डूबी हुई है उसे तो बाहर निकालिए मेरे बाप, मुझे फिर से वही शूरवीर बनाइए। पछता रहा है इसीलिए रूप लौटा रहा हूँ, वरना सारा जीवन घुंघरू बांध के यही नाचता रहता। राजबंधु आपको तो उसी तरह औरत के ही रूप में रहना चाहिए था। क्यों, हम पर नियत आ गई थी क्या तुम्हारी? आपके ग्रह कह रहे हैं कि अगर आप गर्भवती हो जाते तो आपके भाग खुल जाते। भाग खुल जाते? अब मैं भी तुम दोनों के भाग खोलता हूँ। सिपाहियों गिरफ्तार करके ले जाओ उन दोनों को। ले जाओ, बजाओ राजबंधु दया, राजबंधु दया। ये सारी जनता हमारी भक्त जन है, पूछो इन्हें क्या उपहार चाहिए, हम पेश करता लू। ये अक्षय पात्र है, सागर में उतना पानी नहीं निकलेगा जितना इसमें से माल निकलेगा। काके की कुकू, इस बुढ़े नाना के दांत ही नहीं है, इसको केला खिलाओ तो जाने। मतलब केला नहीं है रे? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। प्रेम, प्रेम, प्रेम। बिना दांतों के मुंह को केला चाहिए। आम फट। लो, मुंह में चबा हुआ केला खा लो, मुंह खोलो। भूदा भादा भीमू यागे भट्टारे, इस प्यारी दुलारी को कुमकुम की डिबिया दो। ध्रुम प्रेम, ध्रुम कुमकुम की डिबिया चाहिए। आम फट। क्षमा कीजिए मंत्रिक जी, आपकी शक्ति को मैं दंडक प्रणाम करता हूँ, लेकिन केला और कुमकुम की डिब्बिया तो छोटी सी चीजें हैं, ऐसा जादू तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। अगर आप सच्चे जादूगर हैं तो आप मुझे सोने की अशर्फियां दीजिए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप कमाल के जादूगर हैं। दीजिए ना। क्राइस्ट, क्रेन, फ्रॉग, सोने की मोहरे चाहिए। आम फट। Thank you.
धन्योस्मि मानव, धन्योस्मि। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत से मैं आज शाप के जाल से आजाद हो गई। ये जादूगर दुष्ट धोखेबाज है। पाताल भैरवी के चरणों में तुम्हारी बलि चढ़ा के यह अपूर्व शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अगर तुम इस देवी के सामने उसकी ही बलि चढ़ा दो तो देवी तुम ही पर प्रसन्न होगी, तुम्हें उसका अनुग्रह प्राप्त होगा। तुम्हारी विजय हो मानव। विजयोस्तु। जिससे भला उसको फिर बचाए कौन, कष्ट देगा कौन जिसको रखे तू संभाल के। महाकाली तेरे जैसा शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मलोक पृथ्वीलोक लोक में पताल के। जिससे तू प्रसन्न हो वो मनुष्य धन्य हो, तेरे आगे टूट जाए जाल इंद्र जाल के। स्वामी, शुद्ध होकर आए हो ना डिंबक? बिल्कुल शुद्ध होकर आया हूं स्वामी। तो फिर देर किस बात? देवी को साष्टांग नमस्कार कर, संकल्प सिद्ध होंगे, राजकुमारी मिलता लू। देवी मां मुझ पे दया दृष्टि करो। ऐसे नहीं डिंबक, ऐसे भी नहीं। फिर कैसे स्वामी? हट, मैं बताता हूं। ऐसे बैठकर छाती और मुंह जमीन पर लगा के अंधे मुंह लेटकर देवी को ऐसे साष्टांग नमस्कार कर ध्यान करता लू। जय पाताल भैरवी कृपामयी कामपा विमोचनी आनंदवल्ली आदिशक्ति राम नमस्ते। मानव, धैर्य, साहस से लक्ष्मी, हिम्मत से तकदीर बनती है। ये ले, ये है मेरी महान शक्ति, मेरी प्रतिमा। जो कोई मेरा ध्यान करके इस प्रतिमा को अपने माथे से लगाएगा, मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होकर उसकी मांग, उसकी मनोकामना पूरी करूंगी। पाखंडी,
कहाँ है? दिमाग कहाँ है? वो उज्जैन की राजकुमारी के संग बिहार रचाने जा रहा है। आम हो चक्री, उसने मेरे संग छल किया है। मैं उसको भस्म करके उसकी राख को अंतरिक्ष में बिखेर दूंगा।